स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं चॉकलेटी फ्लेवर में केक। तो अब हम चलो बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी चीनी, आधी कटोरी दही और दो बड़े चम्मच हम देसी घी के डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, पहले हम छन्नी लेंगे, इसमें हम डालेंगे जो हमने एक कटोरी मैदा लिया हुआ है वो हम इसमें छान लेंगे। हमने एक कटोरी मैदे को छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच हम डालेंगे मीठा सोडा। अब हम इसमें डालेंगे, हमने ये चॉकलेट पाउडर लिया हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच, आधा और लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने चॉकलेट सिरप लिया हुआ है, हम एक बड़ा चम्मच लेंगे इसका, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा वेटर बनता है तब तक हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे, इस पे हम एक स्टैंड रख देंगे। अब हम इसको स्लो हीट पे हम इसको गर्म होने रख देंगे। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हमारा ये गाढ़ा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका अच्छे से घोल बनाएंगे। अब इसका घोल हम ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाएंगे, हम ऐसे करके एक साइड को ही इसको घुमाएंगे ऐसे करके। अब हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। अब ये हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अब ये हमने वनीला एसेंस लिया है, अब हम थोड़ा सा आधा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, अब हम इसको रख देंगे। अब हम इसमें तैयार कर लेंगे, हम जिसमें हमने इसको बनाना है वो ट्रे हम तैयार कर लेंगे। अब हमने एक ट्रे ले ली है, इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड तेल, इसको हमने अच्छे से लगा लेना है। हमने इसमें तेल अच्छे से लगा दिया, अब हम इसमें लगा देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसमें मैदा भी लगा सकते हैं। अब हमने जो बटर बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने बटर को अच्छे से डाल लिया, अब हम इसको टेप कर लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई भी बुलबुला न रहे इसमें ऐसे करके। अब हमने चोको रोल लिया है, वो हम इसको ऐसे तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। आप इसको है आपके पास तो डाल सकते हैं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने केक का बैटर बनाया हुआ वो हम इसमें डाल देंगे। आप ध्यान से रखना, कढ़ाई गर्म भी होती है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए हम इसको स्लो पे रख देंगे। अब ये हमारे 25 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेंगे। अभी हमारा केक अभी तक नहीं बना हुआ, अब हम फिर इसको ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए और रखेंगे। अब हमारे 25 मिनट हो गए हैं, अब हम केक को चेक कर लेंगे। अब हम एक चाकू लेंगे, चाकू की सहायता से हम चेक कर लेंगे।
अब ये हमारा चाकू देखो कितना अंदर चला गया है, एकदम साफ निकला है। अब ये हमारा चॉकलेटी केक बनके तैयार हो गया। अभी हम गैस बंद कर देंगे, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। अब ये हमारा चॉकलेटी केक ठंडा हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।